हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बात करना चाहूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जिसमें यहाँ पे बात करें तो गिरते हुए बाजार में भी आपको मजबूती डिमोन्स्ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ समय से। इसके पीछे के कारण बताऊँ तो क्वार्टर वन के नंबर की सीजन अभी चालू हो चुकी है और यहाँ पे PSU बैंकों में, खास करके मैं बात करूँ तो यहाँ पे PSU बैंक क्वार्टर वन के धमाकेदार नंबर प्रेजेंट करने की पूरी पूरी यहाँ पे तैयारियाँ कर सकती है। तो क्वार्टर वन के यहाँ पे नंबर की अपडेट लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हो तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टर वन के नंबर किस तरह के रह सकते हैं उसकी एक तो झलक देखेंगे ही देखेंगे, और आगे आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा में किस तरह की सिचुएशन दिखाई दे सकती है उसको भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन डेफिनेटली दबाइए, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि फ्री वाली टेलीग्राम चैनल का भाग नहीं बने हो तो डेफिनेटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप उसको भी ज्वाइन डेफिनेटली कर सकते हो। तो बात करना चाहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की आज की सिचुएशन कैसी रही। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज यहाँ पे गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई दी और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हल्की फुल्की गिरावट दिखाई दे रही है। 109 के आसपास क्लोजिंग है, 0.87% की गिरावट नजर आ रही है। परंतु यहाँ पे पिछले कुछ समय में बढ़िया तेजी का माहौल बना हुआ है, पिछले एक वीक में 8% भाग चुका है, एक मंथ की बात करें तो 8.5%, पिछले 6 महीने में 15.5%, 2022 में 30% के रिटर्न और एक साल की टाइम रिजन पे भी 28% के शानदार रिटर्न इसने दिए हैं। तो डेफिनेटली बात करना चाहूंगा कि क्वार्टर वन के नंबर किस तरह के रह सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे डेफिनेटली लेकर के आया हूँ और यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से क्वार्टर वन के अनुमान प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट सिंस ऑफ 3.6% ईयर ऑन ईयर 1251 करोड़। तो पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि PSU बैंकों में पहले नेट लॉस आया करता था। जी हाँ, बहुत ज्यादा NPS की समस्या थी और बैंक यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही थी, परंतु यहाँ पे अभी सिचुएशन देखिए कि कितनी फेरबदल हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर 3.6% नेट प्रॉफिट में जंप आ सकता है और यहाँ पे प्रॉफिट 1250 करोड़ के आसपास आने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो पूरी यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे तो ईयर ऑन ईयर 3.5% की जंप, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 30% डाउन साइड आ सकती है। इसका कारण बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन हाल फिलहाल में देखे तो काफी ज्यादा स्पाइक करी थी, सभी बैंकों और सभी कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन में काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब कि NII की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 10% का जंप दिखाई दे सकता है, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे 0.8% ऊपर आ सकता है, 8683 करोड़ के आसपास का। तो आगे और बताना चाहूंगा कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कि पहले जो लोन को प्रोविजन के तौर पे घोषित कर दिया था परंतु उस लोन की रिकवरी होगी ऐसा प्रॉफिट, वो यहाँ पे प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 6.5% डाउन आ सकता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.5%, 5325 करोड़ के आसपास का आने की संभावना है। मुझे लगता है रिलेटिवली यहाँ पे देखें तो क्वार्टर वन के नंबर डिसेंट है, यहाँ पे इतने ज्यादा कोई खराब नहीं है। इतने ज्यादा इन्फ्लेशनरी क्वार्टर के बावजूद भी बैंक अच्छे डिसेंट नंबर पोस्ट करने में कामयाब रह सकती है, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है। यहाँ पे देखें तो सिचुएशन आपके सामने है, आज की 108 के आसपास क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोजिंग 109 रुपये, ओपन 108.80 रुपये, यहाँ पे हाई बनाया 110 रुपये का, लो बनाया 108 रुपये का, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 109 रुपये। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो भी आपके सामने है, यहाँ पे 3 करोड़ लगभग शेयर की ट्रेडिंग, 1 करोड़ शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 36% की शानदार इसमें दिखाई दे रही है। तो सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे नंबर को प्ले करना चाहो तो कौन से लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। मुझे लगता है वेरी शॉर्ट टर्म में 8 से 10% का मुनाफा तो इसमें कहीं नहीं गया, ऐसा आप पकड़ करके चल सकते हो। तो 8 से 10% के मुनाफे के लिए वेरी शॉर्ट टर्म में आपको कौन से लेवल पे ध्यान रखना है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म आपके सामने है, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ और यहाँ पे देखिए बात कर रहा हूँ 1 महीने पहले की 2 महीने पहले की। तो यहाँ पे बढ़िया तेजी थी, 117-118 के आसपास हाई बनाता है, उसके बाद गिरावट 90 के आसपास संभलने की कोशिश करी, फिर से 120 के आसपास के लेवल को यहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश करी, फिर से वहाँ से गिरावट और वहाँ से फिर से 90 के जोन दिखाई दिए, उसके बाद 105 के आसपास गया, फिर से 90 के आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 4 बार एक ही लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट है 90 रुपये के आसपास का।
उसके बाद देखे तो 105 के ऊपर निकल गया है और यहाँ पे आज 110 तक का हाई भी बना दिया है। मुझे लगता है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा 118 से 120 तक फिर से जाने की पूरी पूरी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। तो 108 के आसपास क्लोजिंग है, इसके ऊपर 10 रुपये 12 रुपये के ऊपर जर्नी तय करेगा तो मतलब कि 10% का वेरी शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने का इसमें बढ़िया मौका है। तो शॉर्ट टर्म में तो मौका है ही है, लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी माल लेकर के बैठे हो तो बेचने की गलती मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। RSI का लेवल 65 और वॉल्यूम भी अच्छा खासा बाइंग की साइड नजर आ रहा है। तो हाल फिलहाल में बात करें तो 105 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा है तो 104 के SL के साथ आप इसमें बने रह सकते हो। और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इसमें लेकर के बैठे हो तो 90 का अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे SL लेकर के डेफिनेटली इसमें माल होल्ड करने की ही मैं सलाह दूंगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे पोजिशन बनाने का बढ़िया मौका है, परंतु अपनी स्टडी के बेस के अनुसार आपको अपना फाइनल डिसीजन लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।